And guys, this will be my business place. Hi guys, what's up? कैसे आप लोग? I hope you guys are doing very very well and welcome back to my YouTube channel. आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ शेयर करने वाला हूँ मेरे लाइफ के बारे में, कुछ दिखाने वाला हूँ मेरे लाइफ के बारे में. तो थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा शायद. सो दिस इज एक्चुअली माय फ्यूचर प्लान जो कि मेरे पेरेंट्स ने और मैंने बहुत दिनों से सोच के रखा है, लेकिन अब तक ये हम लोगों ने नहीं किया क्योंकि सही टाइम नहीं आया. सो इनकेस अगर ऐसा हो गया कि मुझे फ्यूचर में क्लिनिक खोलना है या बिजनेस का स्टार्टअप करना है, तो दिस विल बी द प्लेस जहाँ पे मैं अपना फ्यूचर स्टार्ट करने वाला हूँ. और ये जो आप लोग अभी देखेंगे ये सब मेरे पापा की ही प्लानिंग्स है, मेरे पापा की कंस्ट्रक्शंस है, मेरे पापा की ही एक्सपेक्टेशंस है मेरे से. तो अच्छे से देखिए. सो ऑल क्रेडिट गोज टू हिम एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. गाइस, दिस विल बी माय बिजनेस प्लेस जो मैंने आया था. अभी देखते हैं अंदर. कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन. So guys, in today's lifestyle, premature growing in early 20s is very common. This might be because of the stress, the food habits, the weather conditions, improper diet, genetic and many more. In the market, you will get a lot of products that are made up of chemicals, जिसके प्राइस भी बहुत हाई है, बट रिमेम्बर उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी है गाइस. सो इफ वी थिंक स्मार्ट एंड वी चूज ओनली दोज नेचुरल प्रोडक्ट्स दैट आर फ्री फ्रॉम टॉक्सिंस एंड पैराबेंस, देन वी आर फ्री फ्रॉम ऑल दोज साइड इफेक्ट्स. सो गाइस, मामाअर्थ हैज गॉट अस दिस हेना रेंज दैट इज क्राफ्टेड विद नेचुरल गुडनेस ऑफ हेना एंड दीप रोज कॉफी. दिस शैम्पू डीपली नरिशेस, क्लीन्स एंड स्ट्रेंथ योर हेयर फ्रॉम द रूट टू द टिप. This shampoo is formulated with coconut and indigo oils and it will help to retain the essential moisture of your scalp that will prevent your hair from graying. और ये शैम्पू को आप डेली यूज कर सकते हैं because this is free from all the silicones and parabens and from all those harmful chemicals. So daily use कर सकते हैं इसको. This is free from all the side effects. So this will prevent premature graying, gently cleans your hair, improves your hair texture and this is suitable for all skin types. और जो इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है हेना, डीप रोज कॉफी, कोकोनट ऑयल एंड इंडिगो ऑयल. हेना विल प्रिवेंट प्रीमेच्योर ग्रेइंग एंड विल नरिश योर हेयर एंड जो डीप रोज कॉफी है इट विल एनहेंस द टेक्सचर ऑफ योर हेयर, इट विल मेक योर हेयर फील वेरी स्मूथ एंड वेरी सॉफ्ट. एंड द इंडिगो ऑयल विल ऑल्सो प्रिवेंट द प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ योर हेयर, इट विल कंडीशन योर हेयर एंड मेक योर हेयर फील वेरी स्मूथ एंड मैनेजेबल. एंड कोकोनट ऑयल जो कि सबको पता है इट विल मॉइस्चराइज एंड नरिश योर हेयर एंड विल इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ योर हेयर. So it's time to say goodbye grays naturally. So guys, आप लोग हेना शैम्पू के साथ आप लोग हेना हेयर ऑयल भी यूज कर सकते हैं जिसमें है हेना एंड कॉफी ऑयल. एंड गाइज, यूज करना बहुत ज्यादा ही आसान है. आप लोग थोड़ा सा हाथ में लीजिए और लेट मी वॉश माई हेयर एंड कम एंड आई विल शो यू कि कैसा फील होता है इसको यूज करने के बाद. सो गाइज, बेस्ट रिजल्ट के लिए आप लोग शैम्पू के बाद कंडीशनर भी यूज कर सकते हैं जो कि मैं भी यूज करता हूँ एंड यू विल रियली फील योर हेयर वेरी स्मूथ. मजा आएगा यूज करने के बाद एंड वेरी स्मूथ एंड वेरी कूल. मजा आ रहा है. एंड गाइज, जैसे कि सारे मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स नेचुरल है एंड केमिकल फ्री है तो आप लोग बिना टेंशन लिए यूज कर सकते हैं. इफ यू वॉन्ट टू परचेज दिस प्रोडक्ट देन यू कैन गो टू माई डिस्क्रिप्शन, वहां पे मैंने सारे लिंक्स दे के रखा है. एंड इफ यू यूज माई कूपन कोड सौरव 2022 देन यू गोना गेट 20% ऑफ ऑन मामाअर्थ ऑफिशियल एप एंड वेबसाइट. Every time you buy a product from Mamaearth, your product will get linked to the tree that they have planted. And by 2025, Mamaearth is planning to plant 1 million trees, which is really a very great initiative. And guys, Mamaearth ke official app hai, jiske Android and iOS links maine apne description mein deke rakha hai. So you guys can download it from there and app users will get early access to the sales and hence extra discounts. And my coupon code is valid on this website and apps too guys. So you're gonna get extra discounts. You can also purchase this product from Amazon, Flipkart and Mamaearth official app and website. So try करके बताइए कि कैसा लगा आप लोगों को comment section में. So let's continue the video and let's enjoy this video. यहाँ का जो चाबी है वो workers लोग ले गए हैं, इसलिए चाबी तोड़ना पड़ रहा है अभी और टूट गया चाबी. अभी देखते हैं अंदर क्या क्या है. Because you are a part of my family now, तो मैं दिखा रहा हूँ सब कुछ. चलो अंदर चलते हैं अभी. All under construction. I'll be out in the sunshine, running beside the lions. I've been feeling dumb, but I've been looking up, afraid to fall.
होगा लिफ्ट एंड ये यहाँ से व्यू वेरी नाइस गाइस। देखते हैं फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, आई विल प्लान प्रॉपरली। अभी उसके लिए बहुत टाइम है, फिर भी आई एम शोइंग यू गाइस क्या क्या है, क्या क्या होने वाला है मेरी लाइफ में। मुझे मैं ही बहुत कन्फ्यूजन में हूँ, फिर भी देखते मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट मैंने ये बिल्डिंग आधा कंप्लीट होने के बाद मैंने ये बिल्डिंग देखा है कि समथिंग इज गोइंग ऑन हियर। बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है मेरे पेरेंट्स के, मेरे फैमिली के मेरे से, और अभी पता नहीं मैं क्या करूँगा। ओह टेंशंस गाइस, दिस ऑल दिस थिंग्स ब्रिंग्स स्ट्रेस टू यू एंड ऑल दिस थिंग्स आर नॉट माइन गाइस, दिस आर ऑल माई पेरेंट्स, दे आर प्लानिंग फॉर मी। सो आई वोंट से दिस इज माइन, बट आई विल ओनली हैव ए राइट ऑन दिस व्हेन आई डिजर्व। तो देखते हैं इफ आई विल बी डिजर्विंग और नॉट, बट दैट इज आई एम शोइंग यू दिस माइट बी माई वर्क प्लेस। आई एम नॉट श्योर कि ये वर्क प्लेस होगा या नहीं होगा, बट दिस माइट बी माई वर्क प्लेस और माई फ्यूचर क्लिनिक प्लेस और समथिंग ऑफ माइन, दिस माइट बी। अभी हम लोग मेरे फ्रेंड के साथ हम लोग घूमने जा रहे हैं और अभी बहुत गाने सुनने वाले यहाँ भी आते हैं, नाच बेबी नाच और नाच नाच मेरी रानी, ये सब सुन के अभी हम लोग जाएंगे। और मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप लोग देख रहे हैं बारिश हो रहा है बहुत ज़ोर से, क्योंकि मैं आया हूँ इसीलिए लखीमपुर इमोशनल हो गए बहुत दिनों के बाद। और मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा, ऐसे इन्जॉय करते रहिए क्योंकि हम लोग भी इन्जॉय कर रहे हैं और रास्ता नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैं फ़ोन रखता हूँ अभी। और गाइज एक रेस्टोरेंट है जो कि जंगलों के बीचों बीच, हम लोग उसी को ढूंढते हुए जा रहे हैं, लेकिन शायद आज तो जंगली जानवर ही मिलेगा शायद हमें। गाइस आज मैं पहली बार गाड़ी चला रहा हूँ, वो भी ऊपर अभी पहाड़ में मतलब ये पीपल के पेड़ ढूंढ रहे हैं अभी हम लोग, पता नहीं कहाँ पे आगे। पीपल के पेड़ में से लेफ्ट लेना है हम लोग, पीपल के पेड़ में से लेफ्ट लेना है। और मधुजा हमें आज ट्रीट देने वाला है, तो हम लोग बहुत तीन चार नया गाना मिला है उसको। हाँ तो बिहू का गाना है वो तो उसका नाच कुछ है उसका गाने का, उसका। और आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ऊपर है रास्ता। और गाइस डर तो यही लग रहा है कि यहाँ पे अगर इनकेस कैनिवल्स या आदिवासी लोग आके हमें काटने के लिए आ गया ना, तो घुमाने के लिए भी रास्ता नहीं यहाँ पे गाड़ी। और जब हम लोग होम टाउन में आते हैं ऐसे ही एडवेंचर्स में जाते हैं, एडवेंचरस ज्यादा ही एडवेंचरस हो गए इस बार। दुनिया के खाती पिला बोले गावे मंखो बोले खाई रही से बोले गावे मंखो बोले कोई बेटा बिकिन लो बोल बोलने से एमडी ये पेट देखो काटी बोले गावे मंखो निस ना बोला बोलने से नहीं होगा यार यार डिमांड तो मने बेसी होगा यार मैं क्या मत इसको रखो बाकी सब तेरा ना हम तोहनी बाइजो पाओ ना मुख प्रथम करिवो जाग धोरा कर पेट भर कर बाकी सब कुछ आगे दो अभी ब्याह बोला हमने। बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, इसीलिए रेस्टोरेंट बंद था, तो हम लोग दूसरे रेस्टोरेंट में आए। वो वाला तीसरी रेस्टोरेंट था, वो वाला बहुत ज़्यादा अच्छा था। अभी ये अलग है लोकल, यहाँ पे हम लोग मोमोज वगैरह खाएंगे। यहाँ पे ये लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पे इन लोगों का लोकल एरिया है, मतलब ये लोग खाते रहते हैं यहाँ पे। तो मोमोज अच्छा है, थुप्पा अच्छा है, हम लोगों ने ऑर्डर किया मोमोज नहीं है, थुप्पा ऑर्डर किया और चाउमीन ऑर्डर किया। तो बाकी आप लोगों को दिखाएंगे आज पूरा दिन कैसे एंजॉय करेंगे। उसके बाद और बहुत सारा प्लान्स है, हम लोगों का एक रियूनियन होने वाला है, तो वो रियूनियन में मजा आने वाला है। तो गाइस एंजॉय, ये स्टार्ट हो गया अभी। हेलो सर, हेलो, ज़्यादा ही हो गया पॉर्क, कुछ ज़्यादा ही। और ये मेरा भी पॉर्क नहीं, मेरा चिकन है, मैं पॉर्क नहीं खाता हूँ। दिस इज़ आवर हब, यहाँ पे हम लोग पहले से चिकन नूडल्स, चिकन पकौड़ा, दैन फ्राइड राइस, ये सब हम लोग यहाँ पे खाते थे, चिकन रोल्स। और ये है मेरे फ्रेंड्स, सब लोग यहाँ पे आ गए खाने के लिए। और गाइस अभी हम लोग खाएंगे अच्छे से, उसके बाद घर जाएंगे। फिर कल फिर से खाएंगे। चिकन चाव बहुत कॉस्टली है, इसलिए वेज चाव खाएंगे। वेज चाव खा रहे हैं हम लोग। सब लोग चिकन चाव खा सकते हैं। सब लोग बजट में आ गए। मैं तो चिकन चाव, मैं तो सिर्फ चाव खाऊंगा, वेज भी नहीं खाऊंगा उसको। तो हाँ, तो हमारा ये सूप आ गया, ये मटन सूप, दिस इज वेरी पॉपुलर है।
जब इन लोगों को मिलता हूँ ना, वो सारे के सारे मेरे स्कूल फ्रेंड्स ही है. जब मैं इन लोगों को मिलता हूँ ऐसा फील होता है कि आई एम बैक टू ऑल दोस डेज, ऐसा फील होता है. और हम लोग इतने मस्ती करते हैं ना हम लोग जब मिलते हैं. आई होप यू ऑल्सो इन्जॉयड, आप लोगों को मजा आया होगा. जितना हो सकता था मैंने ट्राई किया कि मैं अपने वीडियो के थ्रू आप लोगों को दिखा पाऊँ. और ढेर सारे इन्जॉयमेंट, ढेर सारे फन अभी आ रहा है मेरे नेक्स्ट ब्लॉग्स में, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी ही जाने वाले हैं हमारे स्कूल, और वहाँ पे होगा बहुत सारा फन. और मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मेरे स्कूल, एंड बहुत सारे मेमोरीज हैं मेरे इन लोगों के साथ. एंड दे आर रियली माई बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, मेरे चाइल्डहुड डेज. बहुत मस्ती करते हम. आई एम गोइंग टू शो यू गाइज एवरीथिंग. तो आई होप यू गाइज इन्जॉय दिस टूडेज वीडियो. एंड ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही ढेर सारे प्यार देते रहिए. और जो लोग मुझे बोल रहे हैं कि SMEs में मत करो ये सब, हिंदी में SMEs में ब्लॉग करो, हिंदी में बहुत ब्लॉग मत करो, अच्छा नहीं लग रहा है ये सब, आई विल टेल यू समथिंग अबाउट दैट मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में. अभी मैं बात नहीं करूँगा इसके रिगार्डिंग. बट जो लोग मेरे सपोर्ट में है, बट थैंक यू सो मच गाइज फॉर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे पाऊँ हिंदी में. और मैं बहुत काम कर रहा हूँ इसमें, वन टेक में नहीं होता है. जबकि मैं कुछ रिकॉर्ड करता हूँ तो ऐसा होता है कि एक बार हिंदी में मेरा नहीं होता है तो दूसरा बार मैं फिर से रिकॉर्ड करता हूँ, ताकि वो परफेक्ट हो, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे. और ऐसे मैं ट्राई करता रहूँगा कि और बेस्ट वीडियोज आप लोगों के लिए लेके आ पाऊँ. एंड हियर आई एम गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो. I'm down in on my knees and I'm able.